ये काढ़ा करेगा डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, पेट के रोग और दिल की बीमारियों का बिल्कुल जड़ से इलाज। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे काढ़े को बनाकर दिखाएंगे जो आपके पूरे शरीर को निरोगी बनाने का काम करेगा, जो आपके शरीर के बहुत तरह के रोगों का इलाज है और आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाने का काम करेगा। दोस्तों इस काढ़े को पीने से आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यून पावर बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों यह तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति हाई होगी, तब आप बहुत तरह की बीमारियों से बच जाएंगे। दोस्तों यदि आपको डायबिटीज की समस्या है और आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और इस डायबिटीज की बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से भी बचे रहना चाहते हैं, तब भी आपको इस काढ़े का हर रोज सेवन करना चाहिए, जो आज की इस वीडियो में हम आपको काढ़ा बनाना बताएंगे। दोस्तों यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और आप इस ब्लड प्रेशर की बीमारी को सही करना चाहते हैं और इस बीमारी से होने वाले रोगों से भी बचना चाहते हैं, तब भी आपको इस काढ़े का हर रोज सेवन करना चाहिए। दोस्तों क्या आपको बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या है और आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है और आप अपनी इस बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं और अपने शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आपको अपने घर पर इस काढ़े को हमारे द्वारा बताई गई विधि से बनाना चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए। और यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेज है और आपको हार्ट अटैक के आने का डर है और आप चाहते हैं कि आपके हार्ट की सभी तरह की ब्लॉकेज खुल जाए और आपको कभी हार्ट अटैक ना आए और आपका हार्ट भी मजबूत बन जाए, तब भी इस काढ़े का आपको अपने घर पर बनाकर सेवन करना चाहिए, क्योंकि दिल के रोगियों के लिए तो ये काढ़ा एक वरदान है और दिल की सभी तरह की बीमारियों का इलाज करता है। दोस्तों दोस्तों यदि आपको मोटापा है और आप अपनी इस पेट की चर्बी, कमर की चर्बी, जांघों की चर्बी को कम करना चाहते हैं, तब भी इस काढ़े को बनाकर आपको सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये आपके मोटापे को भी तेजी से कम करने का काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों पेट के रोगों के लिए भी रामबाण है। यदि आप इस काढ़े का हर रोज सेवन करेंगे तब दोस्तों आपके शरीर में कभी भी पेट में आपको गैस, कब्ज और इस एसिडिटी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों हमारे शरीर में 72 तरह के रोग ऐसे होते हैं जो पेट की बीमारी जैसे कब्ज, पेट में गैस और एसिडिटी के कारण ही हमारे शरीर में पैदा होते हैं, यानी आप इन 72 तरह के रोगों से भी बचाएंगे। दोस्तों ये काढ़ा आपके शरीर में खून की गंदगी को साफ करने का काम करेगा और दोस्तों ये हमारे खून की गंदगी ही है जिसके कारण हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जो बाद में हार्ट ब्लॉकेज का मुख्य कारण बनता है जिससे हार्ट अटैक हमें आता है। और ये नुस्खा, ये काढ़ा आपके शरीर में पूरे शरीर की गंदगी, खून की गंदगी को साफ करने का काम करेगा जिससे आप बहुत तरह की बीमारियों से बच जाएंगे। आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, क्योंकि दोस्तों इस खून की गंदगी के कारण ही हमारे चेहरे पर पिंपल आदि पड़ जाते हैं, इससे आपका चेहरा उल्टा खिल जाएगा, ऐसा जबरदस्त और ऐसा चमत्कारी है ये काढ़ा। और दोस्तों इस काढ़े को बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको चाहिए अर्जुन की छाल। और दोस्तों अर्जुन की छाल के बारे में आपने सुना जरूर होगा, हृदय रोगियों के लिए अर्जुन की छाल बहुत अधिक चमत्कारी है। और दोस्तों अर्जुन की छाल हृदय रोग के साथ शुगर रोगियों के लिए भी एक वरदान की तरह काम करती है और उनके शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है। और जो दूसरी इसमें सामग्री है वो है दोस्तों दालचीनी। और दोस्तों दालचीनी के फायदे तो आप जानते ही होंगे, दालचीनी को मसालों की महारानी कहा जाता है और इस महारानी के बहुत सारे चमत्कारी फायदे हैं। ये दालचीनी आपके शरीर के बहुत तरह के रोगों का इलाज है, मोटापे को कम करती है, डायबिटीज का इलाज करती है, ब्लड प्रेशर को सही करती है, पेट के रोगों का इलाज, यानी बहुत तरह की बीमारियों का इलाज करती है ये दालचीनी। और दोस्तों इस काढ़े में तो ये दोनों अर्जुन की छाल और दालचीनी आपस में मिल जाएंगे, तब आप समझ सकते हैं इस काढ़े की अहमियत को। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपने इस काढ़े को बनाना कैसे है और कैसे करना है इस काढ़े का हर रोज सेवन। दोस्तों आपने क्या करना है, 1.5 से 2 गिलास पानी लेकर आग पर उबलने के लिए रख देना है, जैसे कि ये हमने रख दिया। अब आपने अर्जुन की छाल लेनी है, 1 से 2 टुकड़ा आप इसमें ले सकते हैं, उनको अच्छी तरह से पानी से धोकर इसमें डाल देना है। अब आपने इसमें 1 चुटकी दालचीनी पाउडर डालना है, अगर आपके पास दालचीनी पाउडर है तो आप डाल सकते हैं, दालचीनी स्टिक है तो वो भी आप डाल सकते हैं।
सकते हैं वो आपके ऊपर है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। जैसे कि हमारे पास ये दालचीनी पाउडर था तो हमने एक चुटकी दालचीनी पाउडर इसमें डाल दिया। अब इसको आपने उबलने देना है, जैसे कि ये हमारा काढ़ा उबल रहा है। अब आपने इसको तब तक उबालना है जब तक आपने डेढ़ गिलास पानी लिया था वो आधा ना रह जाए, दो गिलास पानी लिया तो वो एक गिलास न रह जाए। आपने इस काढ़े को तब तक उबालना है जैसे कि ये हमारा काढ़ा उबल रहा है, और अब हमारा काढ़ा एक गिलास रह गया, तब हमने आग को बंद कर दिया और इस काढ़े को छान लिया। अब जानते हैं इसके सेवन की विधि। दोस्तों आपने इस काढ़े का सेवन हर रोज सुबह बासी मुंह करना है, और आप शाम को भी बासी मुंह इसका सेवन कर सकते हैं, यानी खाना खाने से डेढ़ से दो घंटा पहले। और दोस्तों अगर आपको यानी कि प्रॉब्लम कम है, हार्ट में ब्लॉकेज कम है, आपका शुगर ओके है, तब तो आप दिन में एक बार सुबह बासी मुंह इसका सेवन करें। यदि आपको प्रॉब्लम अधिक है तब आप दिन में दो बार इसका सेवन करें। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आपको अपने शरीर में चमत्कारी बदलाव दिखाई देंगे। आपके शरीर का पूरा खून साफ हो जाएगा, आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, पिंपल वगैरह सब दूर हो जाएंगे, डायबिटीज आपकी कंट्रोल में हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल सही होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल था वो लेवल पर आ जाएगा। दोस्तों हार्ट ब्लॉकेज खुल जाएगी, हार्ट अटैक आपको नहीं आएगा, आपका दिल मजबूत बन जाएगा, आपके पेट की चर्बी मक्खन की तरह पिघल जाएगी, और आपका पाचन तंत्र भी मजबूत बनेगा, और आपके शरीर में ये रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि आपको ये काढ़ा एक बार या दो बार पीने से वोमिटिंग आती है, उल्टी जैसा आता है, यानी कि स्टार्टिंग में तो सबको ही आएगा क्योंकि उनको इसका टेस्ट अजीब लगेगा, लेकिन यदि आपको बार बार लगता है कि आपको ये सूट नहीं कर रहा, तब आपने इसका सेवन नहीं करना है। तब मैं आपको अगली वीडियो में उसका हाल बताऊंगा कि फिर आपने इसका प्रयोग कैसे करना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये काढ़ा सूट कर रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों यदि आप इस काढ़े का सेवन करते हैं तो ये काढ़ा आपके शरीर के लिए एक रामबाण औषधि है। दोस्तों जो काम लाखों रुपए की दवाइयां नहीं करती वो काम ये अकेला काढ़ा कर देगा, और आपके शरीर को निरोगी बना देगा, आपके शरीर की बहुत तरह की बीमारियों का इलाज कर देगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी आज ही इस काढ़े को अपने घर पर बनाएं जैसे कि हमने इस काढ़े को बनाया, और इसका प्रयोग करें और फिर देखें इसके चमत्कारी फायदे, और हमारे साथ भी शेयर जरूर करें कि आपके क्या इससे रिजल्ट आए। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।